अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिले के लवकुश नगर में आज कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने किसान के विरोध शिवराज सरकार की नीतियों खिलाफ गंजी प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। मां बनबर बेनी पहाड़ियों के पास एक सभा संबोधित की गई। मंच में विराजमान कांग्रेसी नेता एवं मंच का संचालन मुराद अली, जिसमें सिद्धार्थ शंकर बुंदेला के द्वारा किसानों के साथ हो रहा झलावा एवं किसानों की समस्या लेकर शिवराज सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि मध्य प्रदेश के किसान खाद बीज विद्युत आदि समस्याओं को लेकर परेशान है, लेकिन फिर भी सरकार को किसानों की समस्या हल करने का कोई सुझाव नहीं आ रहा है, जिसको लेकर आज हजारों कार्यकर्ता सहित सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने लवकुश नगर SDM को लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि विद्युत कटौती पर अंकुश नहीं लगाया गया, साथ ही जगह जगह फिर भी गाय की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, तो हम कांग्रेसी जन आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हमने प्रोग्राम में प्लानिंग करी थी, उस वक्त यहाँ SDM दूसरे थे, पुराने थे। अब चूंकि जब प्रोग्राम हुआ है तो नई SDM आई है, तो उनसे हमने जो बात करी है तो उनने काफ़ी सुलझे तरीके में ये बोला है कि जो दो तीन चीज़ें जिसमें हम कर सकते हैं, ऐसे जो विद्युत कटौती है उसका नियमीकरण हो, कितने बजे लाइट जाना है ये बता दो, आपको 10 घंटे काटनी हो तो बता के काटो कि इतने बजे से इतने बजे लाइट नहीं रहेगी। ये मत करो कि आदमी बेचारा ना सो पा रहा है, ना खेती कर पा रहा है, ना खाना खा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बस इंतज़ार में है कि कब लाइट आएगी। तो पहली डिमांड तो उनने ये कही है कि नियमितीकरण के लिए वो एक उनने कमेटी बनाई है जो उस पर काम कर रही है। दूसरा, OIC और लाइनमैन जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, दूसरा इन पर कार्रवाई कराना जरूरी है। तो विद्युत विभाग के जो यहाँ के DE है गजराओं के, वो आए थे, उनके साथ भी यही बात हुई है। उनका कहना है कि वो इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करके दिखाएंगे, और कुछ दिनों बाद हमारा एक छोटा सा दल वापस आएगा यहाँ पर SDM साहब से उसकी जानकारी लेना। उन्होंने बोला है कि आप कुछ दिन बाद आके चेक करें। अभी हाल फिलहाल हमारा यही है, ये प्रदर्शन था, प्रदर्शन उस तरीके से हुआ है। आगे जाकर अगर ये जो चीज़ें आज SDM साहब ने बोली हैं अगर वो नहीं होती हैं पूरी, तो फिर निश्चित रूप से हमको आकर यहाँ पर या तो घेराव करना पड़ेगा, हमको जानवर यहाँ पर घुसाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ लोगों पर धाराएं लग जाएं, कुछ भी हो जाएं चीज़ें, लेकिन अब वो मजबूरी है, करना पड़ेगा। आशा हमारी यही है कि कुछ सुधार आ जाए, ऐसा कुछ करना ना पड़े। तो ये सिद्धार्थ संघ, हमें गर्व है कि हम एक किसान के बेटे हैं, और गोंडा एक जनपद है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के बगल में। गोंडा के गांव से निकल के लखनऊ और दिल्ली तक पढ़ाई अगर हमने की, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमारे पिता किसान के साथ साथ उनकी सोच बहुत ऊंची है कि हमारे पास अगर पैसा हो तो अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं जितना एक IAS अधिकारी, के SDM, एक PCS, एक इंजीनियर, एक बड़ा वकील पढ़ा सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चंदला, ये पुरानी तहसील का गेट है, यहाँ पर नेतन का गारी देवे से कछु नहीं होने, कबो कबो निकलने के आने आउट है, टाइम देके अपने अधिकार के लाने हल्ला मचाने आउट है, अपने अधिकार के लाने सरकार का सत्ता का प्रशासन का कोसने आउट है, उन्हें तना दिखाने आउट है कि हम उन्हें सब देख रहे हैं, हमें पतो है हमारे का अधिकार है। बस इस वजह से कि आप हमें हमारे अधिकार दी दे, तो इको घर ना पे आओ। ई तरीका की राजनीति क्षेत्र में चल रही है, देखने जो है अपन का कि अपन का कितो दबा सकत जे, अपन का दबने है का भैया, दबने है का इतने पे नेताजी के छर्रा बैठे अपने बीच में, तो कैमरा लेके बैठो तो वैसे ही बैठो, रिपोर्टिंग हुई है नेताजी का कि फलाने गांव से जो आओ तो ढिकाने गांव से जो आओ तो, फलानो सरपंच आओ तो इसको पेमेंट रखवा दो, फलानी जगह के काम बंद करवा दो। अब जो बात सही है का, तुम्हारे गांव का सरपंच एक आदमी बनत, सरपंच तो एक ही बनत, एक आदमी अगर तुम्हारी तौलिया नहीं पहनता पार्टी की,